गुरुदेव, शनि की बात हम कर रहे हैं तो शनि के श्राप को हम कैसे पहचाने, इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं और जिस पर शनि के श्राप होते हैं उसका रहन सहन कैसा होता है? बेटा, शनि नाम से ही डर लगता है और सच बात है बेटा, जब ये खराब हो जाए तो इससे डरना भी बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है यानी कि उसके लक्षण क्या बनते हैं ये आप सबको बताता हूँ। जब भी शनि खराब होकर के किसी की जन्म कुंडली में बैठते हैं, सबसे पहले उस आदमी को बेमतलब का अंतर्मुखी बनाते हैं, यानी अपने आप पे ही सोचने वाला, अपने आप से ही बातें करने वाला। फिर उसको अगर कहा जाए कि आज किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य है, शादी पे जाना है, वो कहता मैंने नहीं जाना, आप सब चले जाओ। उसको अगर कहा जाता है कि चलो उठ के जाके वो फलाना काम कराओ और ये दो काम हैं और इनको निपटा के आना, वो आदमी पहला काम करते करते ही वहाँ के माहौल से इतना बोर हो जाता है कि दूसरे काम को सोचे बिना, किए बिना ही वापस आ जाता है। घर पे आकर के भी इंसान घर में जितने मेंबर है उन सब के कामों में छोटी 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 कमियां निकाल के उनके अंदर टोका टाकी करने लगता है। और अगर कोई दुनियादारी की बातें हो जाए तो बस उसका एक ही काम होता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ऐसे को तो हम ये कर देंगे, ऐसे को हम वो कर देंगे। और लेकिन जब करने का वक्त आता है, एक मिनट के गुस्से के अंदर वो ये समझ जाता है कि उसके बस का कुछ नहीं, और उसके बाद में सिर्फ घर के बेडरूम में बैठ करके ही वो बातें करता है, बाहर निकल करके वाकई कोई कर्म नहीं करता। उसका कारण, शनि देव जब सर पे सवार हुए होते हैं, ये चाहते ही यही हैं कि इंसान को अपने आप में इतना बड़ा बना दें कि वो हर काबिल इंसान को भी नाकाबिल समझे, और उसके चक्कर में इंसान अपनी नाकाबिलियत को नहीं पहचाने और वो ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए। क्योंकि ज़िंदगी बढ़ती कहाँ से, जब आप शादी विवाह में या किसी समारोह में जाते हैं और अलग अलग लोगों से मिलना होता है, उनसे मिल करके बातचीत करके आप जब बताते हैं कि मैं ये करता हूँ और दूसरे से जब पूछते हो कि आप क्या करते हो, इस तरह से जब दोस्तियाँ बढ़ती हैं और एक दूसरे का साथ मिलता है और ज़रूरत के वक्त में एक दूसरे के जब आप काम हो आकर के आगे ज़िंदगी के अंदर बढ़ते हैं, बेटा ये तो होता है अच्छापन। लेकिन जो इंसान इस तरह के हालात से ही बचना शुरू कर दे, किसी से मिले बरते नहीं, और एक शनि खराब वाले की एक और खासियत कि जो लोग उससे नीचे दर्जे के हैं या उम्र में छोटे हैं उनके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अपने बराबर वाले या अपने से ऊपर के लेवल के लोगों के साथ में मिलना बरतना से उनको आता ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर वो कमियाँ निकाल निकाल के उनसे दूरी बना करके रखते हैं। सही मायने में ये मानसिक बीमार हो जाते हैं, और ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होगी कि इंसान अपनी कड़वी जुबान से, अपनी ईगो में, अपने घमंड में अपने रिश्तेदारों तक से भी बिगाड़ लेगा, और जब पूरी तरह से टूट जाए और रोटी भी ना मिले तब एक दिन के लिए वो किसी के सामने जा करके झुकेगा और जिस दिन खाने को रोटी मिल गई उसी को फिर काटेगा, यानी कि इतने बुरे हालात तक ये पहुंचा देता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ शनि के इलाज करके चलना बेहद ज़रूरी है, और ये शनि जब श्राप के रूप में अपने ऊपर सवार होते हैं तो इंसान की बुद्धि को ही हर लेते हैं और सारे दुख देने शुरू कर देते हैं, और घर के अंदर लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ, दुनियादारी के साथ में बिल्कुल ना बन पाना, हर किसी के अंदर कमियाँ निकाल निकाल के अलग होना, और उसके बाद में सही मायने में ये सब कुछ करके अपने ही जीवन का सत्यानाश कर लेना। बेटा, इतनी ज़्यादा बड़ी खराबियाँ शनिदेव देते हैं, इनसे बचाव के लिए छोटे छोटे उपाय करके अगर आप चलेंगे और थोड़ी देर तक करते रहेंगे तो बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखकारी होगा। और उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात पे भीगी लकड़ी, ये जितनी घर में पड़ी हो भले ही फ्यूचर में काम आने वाली, इसको आज अपने घर से निकाल दीजिए। घर का अगर फर्श ऊपर नीचे है उसको एक सार एक लेवल पे कर दीजिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर उसके बाद शनि के उपाय, शनि के उपायों में करना क्या होता है बेटा, आप जितनी ज़्यादा मजदूरों की सेवा करते हैं, उनको कुछ खाने पीने को देते हैं, उतना ही उत्तम रहेगा। कुत्ते और कौओं की जितनी आप सेवा करते हैं,
हर रोज कुत्ते और कौओं के बीच में 10-10 मिनट बैठ के उनको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाने को देना, ये शनि को और अच्छा करता चला जाएगा। और हर शनिवार को एक लोहे के कटोरे में उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके डाल दें और काला कपड़ा एक छोटा सा लेकर के रुमाल के नुमा उसके ऊपर वो कटोरा रख के अपने माथे पे लगा के ये दान देना जरूर शुरू करें। गुरुदेव, इससे पहले हम शनि से जुड़े लक्षणों की बात कर रहे थे, आपने लक्षण बहुत अच्छे से समझा दिए, साथ ही कुछ उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताए। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं जिससे बहुत जल्दी शनि से श्रापित अगर कुंडली है तो उससे छुटकारा मिल सके? जिन दिनों में जो ग्रह खराब हो उसके जो दुश्मन ग्रह है, जैसे शनि के दुश्मन ग्रह कौन से हैं, शनि के दुश्मन ग्रहों में आप सूर्य को जोड़ सकते हैं, मंगल को जोड़ सकते हैं, समझिए चंद्रमा को जोड़ सकते हैं। कारण ये कि ये अलग टोला है, पापी ग्रहों का अलग टोला होता है। अगर इसके अंदर हम इन ग्रहों को मजबूत करके चलते हैं तो शनि अपना प्रभाव बहुत जल्दी त्यागना शुरू कर देगा। कैसे? सबसे पहले अगर आप करना ही चाहते हैं और बहुत जल्दी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुबह सवेरे नहा धो करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद थोड़े से जल के अंदर थोड़ा सा दूध और दो दाने चीनी के डाल करके बड़ के पेड़ पर चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। उसका कारण क्या? जो बड़ का पेड़ होता है बेटा, वो सूर्य होता है, और जब उसके ऊपर हम ये जल रूपी और दूध डाल के चढ़ाते हैं तो ये गर्म पेड़ पे जब हम ये जल चढ़ाते हैं तो उस वक्त में थोड़ा सा जल वाष्प होता है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी लिए हुए होता है। और जब झुक कर के हम तिलक लगाने के लिए वहाँ गीली मिट्टी के अंदर जब अपना हाथ डालते हैं या उंगली डालते हैं, उस वक्त में उस जल में जो वाष्प हो रहा होता है वो हमारे नथनों से अंदर जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी हमारे अंदर चले गई। और तिलक लगाते इससे क्या होता है, स्वास्थ्य के अंदर आने वाली दिक्कतें वो दूर होती हैं, आदमी का चिड़चिड़ापन दूर होता है और साथ में सोचने समझने की शक्ति उसकी बढ़नी शुरू। अब लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। गुरु जी, हमारे साथ ग्वालियर से अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए। मेरी जन्म तिथि 19 दिसंबर 1964 है और समय दोपहर 12:30 बजे, स्थान मछंड है। क्या मुझे कभी ऐसा मौका मिल सकता है जिससे मैं समाज सेवा या राजनीति में कदम आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। एक ग्रह योग तो बहुत उत्तम बैठा हुआ बृहस्पति धन भाव का, जो दिमाग अच्छा देता है। कहते हैं इंसान पढ़ा लिखा भी ना हो तो तब भी पढ़े लिखों का बाप बनता है, ज्ञान अच्छा देता है। मंगल देव भी छठे स्थान पर बैठे हुए कर्म शक्ति को अच्छा देते हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन बाकी के तीनों योग इतने खराबी पे, चंद्र राहु का मेल इंसान के बुध को खराब कर देता है और एक अलग गुमान दे देता है कि वो दुनिया के अंदर हर काम को कर सकता है। तो बेटा, अगर तुम इसका इलाज करके चलते हो तो ही तुम अपनी जिंदगी के अंदर समाज सेवा में और राजनीति में कामयाब हो सकते हो। अगर इसका इलाज नहीं किया तो नहीं कामयाब हो सकते। सबसे पहले हर मंगलवार को छोटी छोटी कन्याओं को साबुत बादाम देना और हर साल 9 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के उनको मंदिर के अंदर देना, और साल में एक बार 27 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के उनको जल प्रवाह करना। अगर बेटा ये उपाय हो गए तो तुम्हें हर तरह से कामयाबी मिलेगी और बिना किसी कलेश के मिलेगी। वरना ये जो समय है पति पत्नी के सुखों को वो खराब करता है, अपने शरीर के जोश को वो खराब करेगा, समय समय पे शारीरिक तकलीफें देगा और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बार बार गिराएगा, बार बार गिरेगा और बार बार हिम्मत बन के उठाओगे लेकिन फिर मामले खराब होंगे।